असलम वेलकम टू लाउंज आई एम योर होस्ट बजर मुश्ताक टुडे वी हैव अ पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर वो माहिर खिलाड़ी हैं टेस्ट और ओडीआई के उनका बाबर आज़म और फखर जमान के बाद हंड्रेड में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है आई एम श्योर यू गेस्ट राइट जिनकी अभी अभी शादी हुई है इमाम हाउ आर यू आई एम गुड एज़ वेल अब बड़ा ट्रैवलिंग करके लाहौर आया तो कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है सर लास्ट ईयर भी जो है पाकि लाहौर की सर्दी मैंने एंजॉय नहीं की थी <laughs> तो इस दफा ये है कि काफी मैं सुन रहा था जब मैं ऑस्ट्रेलिया में भी था या हाँ। जब के ऑस्ट्रेलिया में तो अभी बहुत गर्मी हुई है बहुत गर्मी हाँ। थी हाँ। तो इधर जो है सुन रहा था घर वालों से कि बहुत ठंड पड़ रही है हाँ। तो मुझे फिर वो सब सारे मेरे रिलेटिव कह रहे थे तो अच्छा लगा क्योंकि हमने काफी दिनों काफी अरसे से जो है ना हाँ। गर्मी में खेल रहे थे तो मैंने कहा था कि चलो यह घर वालों के साथ जरा सर्दी को जो है तो सबसे जरा मजा मुझे लाहौर के वेदर का आ रहा है कि काफी शदीद ठंड है फर्स्ट ऑफ ऑल मैनीचुलेशन ऑन योर मैरिज ऑन योर न्यू लाइफ सो टेल मी हाउ इज लाइफ आफ्टर मैरिज थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल एज सच तो अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ क्योंकि शादी के दो दिन के बाद travel, uh, खाना ही खाना होता है, हाँ. फिर सोना होता है क्योंकि टेस्ट मैचेस अब तो अब आए हैं तो अब बेसिकली मुझे लगता है कि अब स्टार्ट होगी सही मैरिड लाइफ क्योंकि खानदान वालों के साथ फिर रिलेटिव वालों के साथ फिर अभी वो 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 पीरियड चल रहा है तो अभी आया हूँ तो अब देखते हैं कैसे

आ, यार देखो ये मुझे सारे लोग कहते हैं कि यार एक एक शादी की स्पेसिफिक एज होती है और मैं थोड़ा सा थोड़ा सा सा इससे डिसएग्री करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप रेडी खुद मेंटली नहीं होते yes. ना वो आप बाईस साल की उम्र भी हो सकते हो बत्तीस साल की उम्र में भी हो सकते हैं अच्छा इमाम इफ आई एम नॉट रॉन्ग पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में यू दी ओनली प्लेयर जो ग्लासेस पहन के खेलते हैं कभी कोई मसला होता है इससे अच्छा जब तक जिस हमारी जनरेशन में मैं एक वाहिद प्लेयर हूँ लेकिन हम, जनरेशन उसमें एक प्लेयर है जहीर ले, नहीं हुआ, लेकिन इस में, बिल्कुल, आ, पाकिस्तान में तो ऐसा ही है वर्ल्ड में भी एक दो प्लेयर हैं जो है लेकिन पाकिस्तान में वही है कि जो मैं खेल रहा हूँ लेकिन प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मुझे बचपन से लगी हुई आप मुझे बहुत अरसे जानते तो मेरे तो खुद मुझे लगता है फोर टू फोर फाइव क्लास में लग चुकी थी तो

बहुत ज्यादा नोटी तो नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा वो वाले बच्चे जिनसे आज जिनको आज मैं देख के जिन्हें मुझे गुस्सा आता है ना कुछ ना, बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आपको देख के गुस्सा आता है मुझे ऐसा लगता है मैं बिल्कुल वैसे ही बच्चा था हाँ। मैं बहुत ज्यादा जिद्दी था बहुत हाँ। ज्यादा क्योंकि मुझे कार्स का बहुत शौकीन हूँ अभी भी हूँ पहले भी बहुत था तो वो जो रिमोट कंट्रोल कार्स है हाँ, तो मैं जिस जगह जहाँ भी जाता था क्योंकि मेरे फादर आपको पता है इंग्लैंड में काम करते थे हाँ। तो मैं उनके साथ कम ही रहता था अम्मी के साथ रहता था तो उनको पता था सबको घर वालों को इसको रिमोट कंट्रोल कार्स बहुत पसंद है तो मैं जिस जगह भी जाता था तो अगर वो मुझे उस मॉल में जाके या कहीं भी जाके एयरपोर्ट पे जब भी जाता था मुझे अगर वो कार दिख जाए कोई भी अच्छी और अगर वो मुझे ना मिले तो मैं बिल्कुल बिल्कुल जो है उसको ना जमीन पे लेट जाता था और जोर जोर से चीखना शुरू कर देता था अगर मुझे वो वो नहीं मिलेगी तो वो बहुत ज्यादा हो, हो, होगा मेरी अम्मी के लिए क्योंकि हाँ। मुझे पता है तो वो ऐसा कहता और अम्मी से इस बहुत फेंटा पड़ा एजुकेशन uh, की वजह से okay. क्योंकि वो पढ़ाई का बिल्कुल शौकीन नहीं था अलहसली अब सोशल मीडिया का जमाना है ट्रोलिंग बहुत होती है और तुझे नेपोटिज्म की वजह से बहुत ट्रोल किया गया जबकि मुझे पता है ऐसा तेरा नेपोटिज्म से कोई ताल्लुक नहीं तू अपने मेरिट पे अपनी बलबूते पे सारा तेरा सीन हुआ बट फिर भी लोग करते हैं ट्रोल तो तुझे मेंटली खुद ऐसा लगता है कि हाँ मुझे अपने तौर पे ज्यादा मेहनत करनी है और सारा कुछ यार देखो हम उस जमाने में रह रहे हैं जहाँ पे हर बंदे का एक फ्री सेटअप है हर बंदे के पास एक्सेस टू है सोशल मीडिया का बिल्कुल हर बंदे का अपना यूट्यूब चैनल बना सकता है आज मैं भी बना सकता हूँ आज आप भी बना सकते हो तो हम उस अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में रह रहे हैं कि जहाँ पे कोई किसी की इज्जत जो है वो सेफ नहीं है आराम से कोई किसी को बेजत कर सकता है थ्रू सोशल मीडिया सो so, नेपोटिज्म का क्वेश्चन जो है वो तो इतना नॉर्मल है कि मुझे मतलब इसमें कोई वो एक नॉर्मल सी बात लगती है तो वो एक हाँ एक एडिड प्रेशर हमेशा रहा है लाइफ में लेकिन अब ये लाइफ का हिस्सा है पिछले सात साल से तो आ, जब आपकी परफॉर्मेंसेज अच्छी होती हैं तो वो एकदम खामोश हो जाता है जब परफॉर्मेंसेज खराब हो जाती हैं तो वो वापस आ जाता है तो वो इसी तरह ही चल रहा है तो ये एक लाइफ का हिस्सा इस है इसको हाँ। मैं एंजॉय भी करता हूं हाँ जब दुख होता है या जब गुस्सा आता है तो कोशिश करते हैं कि जो है फ्रस्ट्रेशन में जिम ज्यादा कर लो बैटिंग ज्यादा कर लो, अपने आप को और मेहनत कर लो बाबर से लड़ाई कर लो ही ये, ये डे तो एक आ ही जाता है की बाप मौलवी तो बेटा है, कर रहे हैं ये जिंदगी ये मैं कह रहा हूँ कि हम उस अनफोर्चुनेटली उस जमाने में रह रहे हैं कि हर बंदे के पास एक्सेस है अच्छा मुझे बता तेरे चाचू के इंडियन अंकल के फुटप्रिंट्स के ऊपर ऐसी कौन सी चीजों पर कंपेरिजन होते हैं तेरे जो तुझे फील होता है उफ, आ, मुझे ऐसा लगता है यार कंपैरिजन बहुत मुश्किल है क्योंकि वो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनालिटी भी है प्लेयर तो खैर मैं आ, हाँ। करीब करीब भी नहीं हूँ हाँ। लेकिन ये है कि आ, जो पर्सनालिटी उनकी बहुत डिफरेंट है और वो किसी और जनरेशन में खेले क्रिकेट आज कल की जनरेशन का सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है बट हाँ।, हाँ ये जरूर है कि आ, मुझे जो है मैट वो भी बहुत ज्यादा स्पिनर्स को ना डाउन द ट्रैक खेलते थे तो मुझे भी शौक है कि जो वो वाले फुटप्रिंट्स का क्योंकि वो नेचुरल है मैं भी बहुत ज्यादा स्पिनर्स को डाउन द ट्रैक खेलने की कोशिश में करता हूँ कि जो आगे जाके निकल खेलता हूं okay. तो वो एक ऐसी है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि बाय नेचर सिमिलैरिटीज हैं अदरवाइज मेरे ख्याल से वो मेरे ख्याल से जो मैच विनर थे वो तो पाकिस्तान में नहीं आया वो तो बहुत कम है ऑफ कोर्स तो अपनी पहली इंटरनेशनल इनिंग्स याद है पहली इंटरनेशनल बिल्कुल 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 कुछ मुझे कुछ किस्सा सुना जो कुछ सिली सा या कुछ एंबैरसिंग हुआ या समथिंग आ, तो नहीं बट ये जरूर था था कि आ, हमारा मैच था, मेरा डेब्यू हुआ था दुबई में अबू धाबी में अच्छा तो हम हम ठहरे हुए थे दुबई तो दुबई से अबुधाबी आपको पता है डेढ़ दो घंटे की ड्राइव बिल्कुल तो हमारे कोच होते थे मिकी ऑथर तो उन्होंने कहा था कि दुबई में ही क्योंकि हमारे सारे दो मैचेस में थे और ज्यादा मैचेस दुबई में थे हुँ. तो उन्होंने कहा था हम अबुधाबी नहीं रहेंगे हम रहेंगे दुबई। ओके। okay. तो क्या था कि मेरा इंटरनेशनल मैच था फर्स्ट तो गर्मी बहुत आपको पता है दुबई में थी और अगस्त सितंबर का टाइम था तो हुँ. आपको पता सितंबर में तो वैसी ह्यूमिडिटी हाँ. तो मैंने डेब्यू किया मैन ऑफ द मैच भी था मैं डेब्यू में तो मैंने जब आउट हुआ हम मैच जीते तो हम वापस आ रहे थे तो गर्मी बहुत थी पहले पचास ओवर फील्डिंग की थी फिर ऑलमोस्ट थर्टी ओवर बैटिंग की थी तो जब हम वापस आ रहे थे बस में तो मुझे क्रैम्स पड़ने लगते थे अच्छा। तो अब वो क्रैम्स इतनी जोर से था कि मेरी ना पीछे ना बिल्कुल चीखे निकल रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा क्रैम्स पड़ रहे थे ये वापसी की बात है जब मैच खत्म हो गया हाँ। था तो मुझे याद है कि मुझे समझ में से बैठा नहीं जा रहा था हाँ। तो वो बस होती है बस की जो बीच वाली चलने की जगह थी उधर मुझे इमाद वसीम ने जो है पिलो दिया था और इमाद वसीम ने पिलो के साथ में उधर लेट गया था फिर पहले मुझे उससे भी नहीं हुआ था फिर इमाद वसीम के गोद में रख के मैं पूरा जो है मैं लेटा रहा हूँ वो दो ढाई घंटे तो वो ये एक फनी मोमेंट था जो मुझे याद

उनके साथ ये था कि हमेशा रात में खाने पे जाते थे तो वो बहुत ज्यादा फन लविंग है तो हाँ, वो उनके साथ भी मैंने बहुत एंजॉय किया सही तो तू प्रैंकस्टर भी है मेरे ख्याल से बहुत बड़ा टीम में कोई अपना कोई ऐसा प्रैंक बता दे तूने तो किया और किसी के साथ यार प्रैंक तो खैर बहुत किए हैं बड़े अजीबोगरीब गरीब प्रैंक किए हैं <laughs> लेकिन ये सारे अब यार ये तो बैठा बताने वाले नहीं है कि बहुत अजीबो गरीब प्रैंक क्योंकि चार पांच साल पहले की बातें हैं, हैं ये है। अभी पिछले डेढ़ दो साल से तो ये है कि इतने ज्यादा प्रैंक नहीं किए लेकिन ये है कि अजीब गरीब प्रैंक किए मुझे याद है आप ही तो नहीं याद दो हजार में मैंने किया था बेले बजा के भागना रूम्स की अच्छा। वो एक नॉर्मल सा, हाँ। हाँ, सा प्रैंक था वो हाँ वो एक नॉर्मल सा प्रैंक था लेकिन ये ऐसी चीजें हैं कि बहुत ज्यादा कमरा खराब करके चले गए और किसी और पे जाके इल्जाम लगा दिया ये ऐसी चीजें हैं पब्लिक में जा रहे हैं अगर है, किसी स्ट्रीट्स में वहां पे जाके जो है एकदम एकदम उस तरह ऊपर देख रहे हैं पांच छह लड़के तो आपको आवाम देख रही है कि क्या है ऊपर पीछे <laughs> तो ऐसी तीन चार चीजें हैं जो है, है, हमने की है काफी अजीबो गिरी फिर आपको हंसी आती है, है, है क्योंकि आपको फिर बाद में ये चीजें याद आती आजम तुम लोग बड़ी अच्छी दोस्ती भी है और यू, यू यू कोई हेल्दी कंपटीशन चलता है बीच में बिकॉज बाबर आजम के बाद आई थिंक द मोस्ट रन का रिकॉर्ड तेरा ही है यार देखो दे थिंग थिंक इसके बाबर आ, मेरे से ना डेढ़ साल पहले आया डेढ़ दो साल पहले टीम में आया हाँ। और हेल्दी uh, कंपटीशन मेरे ख्याल से बाबर से नहीं विद इन द टीम पहले आपको हाँ। अपनी रिस्पेक्ट जो है विद इन द टीम बनानी पड़ती है हाँ। वो कि आप जब ड्रेसिंग रूम में जाओ तो आपको पता है कि यार एक रिस्पेक्ट आप फील करते हो हाँ। तो वो रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है कि आपकी विद इन द टीम और हेल्दी कॉम्पिटिशन जरूर होना चाहिए विद इन द टीम ठीक है वो जेलसी वाला फैक्टर नहीं एक हेल्दी कॉम्पिटिशन के अगर आज इसने शौ किया तो यार मैंने भी करना है मैंने भी इसका काफी चीजें आपने सीखनी होती हैं अपने सीनियर से तो हम हम जब आए तो अनफॉर्चुनेटली uh, उस वक्त कोई इतना सीनियर था नहीं टीम में या कोई ऐसे सो so कॉल्ड आप जिसे कहो कि लेजेंड नहीं था कि जिसको हम फॉलो कर सके ठीक है तो उस वक्त हम सब नए थे हम 2017 में आए तो उस वक्त ऐसा कुछ था नहीं कि जिसका जिसको आप कहो कि यार हाँ ये कोई लेजेंड प्लेयर हैं तो वो हम सभी नए थे तो लेकिन हमने खुद ही सीखा खुद ही गलतियां की हमें सैफी भाई ने बहुत सिखाया सैफी भाई ने डांटा बहुत है सैफी भाई क्योंकि हमारे कैप्टन थे उन्होंने बहुत गाइड हमें बहुत अच्छा किया स्पेशली सबको किया स्पेशली सब सब बाबर और मुझे क्योंकि हम जब बैटिंग करते थे तो वो हमेशा ये कहते थे कि छोड़ के नहीं आना बीच में अगर आप सेट हो गए हो तो लंबी इनिंग्स खेलना तो वो चीज बहुत आज तक याद रहती है

मैंने इंजॉय तो यार सबसे ज्यादा जब बेसिकली क्या है कि जब मैं नया आया तो सैफी भाई थे तो मैं काफी डरता था सैफी भाई से क्योंकि सैफी भाई फील्डिंग से बहुत डांटते थे तो हम सब डरते थे फील्डिंग में अच्छा। जब बाबर कैप्टन थी तो मैं ऑलरेडी सीनियर प्लेयर हो चुका था तो उस वक्त ये था कि उस वक्त मैंने इंजॉय किया कि मुझे पता चल रहा होता था कि क्या हो रहा है गेम में मैं इन्वॉल्वमेंट ज्यादा थी मेरी गेम में उस वक्त यह था कि मैं वो सैफी भाई से डरता रहता था कि यार फील्ड ना छुट जाए ये चीज है जब बाबर की आई 2019-20 में तो उस वक्त डिफरेंट मैं प्लेयर भी डिफरेंट था मेरा सोचने का तरीका भी डिफरेंट था तो वो मैं गेम के बारे में भी देखता रहता था गेम में क्या हो रहा है जब आप नए होते तो हैं गलत हो जाए मेरे से उस, उस उस वक्त वक्त भी भी था लेकिन था लेकिन कि दूसरी चीजें चल रही होती है कि अच्छा ये हो जाए अच्छा इसको ये भी हो सकता है अच्छा इस वक्त ये हो जाए तो इस वजह से जो है मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन्वॉल्व ज्यादा था तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबर की कैप्टनसी मैंने ज्यादा इन्जॉय किया सही और किसकी ऐसी थी जिसमें तुझे लगता है बेहतर हो सकती थी यार बेहतर देखो हर चीज में हर कोई भी कैप्टन हो वो कभी भी हंड्रेड परसेंट परफेक्ट नहीं होता अब हाँ। ये लक मुझे तो ऐसा लगता है बट अगर वो ना जाए तो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म भी फिर आप, पे आप उसी भी भी पे ही होता है तो हमेशा लर्निंग का जो फेज है चाहे वो सैफी बाई हो या वो ग्रेट पीछे जितने भी हमारे कैप्टन हो ऐसा कोई भी नहीं होता कि उसने सारे डिसीजन सही करता है वो

देखें गारंटी आपकी कोई नहीं है कि आपके मैचेस कितने आप जीतोगे हम हमारी अभी इतनी वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी बहुत गंदी परफॉर्मेंस रही है वो भी बाबर कैप्टन का, था लेकिन मुझे ऐसा लगता है टीम बहुत अच्छी थी हमसे डिलीवर नहीं हुआ बाबर से भी परफॉर्म नहीं हुआ मेरे से वैसा नहीं हुआ और जितने भी और प्लेयर थे तो उसमें वो हमारी गलती इसमें कैप्टन की क्या गलती है इसमें तो ये था कि प्लेयर तो वही थे जो तीन चार साल से खेल हाँ। रहे थे वो अगर बड़े इवेंट पे नहीं करे तो इट्स इट्स लाइक आप हाँ डाल सकते हो ब्लेम कैप्टन पे लेकिन इट्स 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 ये टीम गेम है नॉट अ कैप्टन गेम लेकिन हाँ उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी और वह जैसे मैंने कहा कि अब जैसे शाहीन बना है ही इज अ वेरी गुड उसने पी में बहुत अच्छे कैप्टनसी की है तो वो उसके लिए प्रॉपर टाइम बहुत देना बहुत जरूरी है फिर आप जज करो तो ज्यादा

वो टीम्स को लेके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फखर मैचेस नहीं खेल रहा था क्योंकि उससे वैसे परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही थी एशिया कप में और उससे पहले तो वो रेस्ट पे था वो उसको आया और जब वो आया तो उसने एकदम आके ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा कि यार कमाल किया लेकिन यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो वो हमारी

टीम का फेलियर आप कह सकते हैं मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यार हाँ इससे नहीं पढ़ऊंगा तो वो एक टीम का फेलियर था जो मेरे ख्याल से आगे गलत टाइम पे तो इंडिया वैसे इंडियंस दिमाग से भी बड़ी गेमें खेलते हैं

दे हैव अ वेरी गुड साइड और उनको खेलते हुए बहुत हो गया है खासतौर पर अगर आप उनकी टीम से रोहित और कोहली को निकाल देते हैं या बुमरा जो उनको जो वर्ष एक्सपीरियंस है जो मेरे ख्याल से इम्पैक्ट डाला उन्होंने तो वो काफी फर्क पड़ा उनकी परफॉर्मेंस इंडिया क्योंकि मैचेस तो जरूर और, और इंडिया इज अ वेरी गुड साइड प्रोफेशनल साइड है और उन्होंने खेला बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और जो जो टीम सेमीफाइनल तक फाइनल तक अनबीटन चल रही थी तो ऑब्वियसली बट uh, मेरे ख्याल से तो ऑस्ट्रेलिया हमेशा मेंटली आपको ज्यादा मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया ज्यादा खेलती है तो वो उनको वो वही हरा सकती थी मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि वो बहुत अच्छी टीम बट ये चैलेंजिंग मतलब हर मैच ही चैलेंजिंग होता है लेकिन ये थोड़ा उससे ज्यादा चैलेंजिंग बिल्कुल बिल्कुल जब आप इंडिया को इंडिया में खेल रहे हैं तो उसका कोई मैच नहीं है दूसरी टीम से तो हम जब मुझे याद है मैं और अब्दुल्ला जब बैटिंग के, हम टॉस जीत के हमने जब बैटिंग की तो जब हम बैटिंग करने गए तो वो डेढ़ लाख का क्राउड था तो पहला ओवर मुझे और अब्दुल्ला को एक आपस में एक दूसरे की आवाज नहीं आ रही थी अच्छा ठीक है और ना हमें समझ आ रही थी क्योंकि वो जो बोल रहा था मुझे आवाज ही नहीं आ रही थी हाँ। क्योंकि एक डेढ़ लाख का क्राउड था और उससे पहले कॉन्सर्ट था बेसिकली उनका अरिजीत परफॉर्मेंस दे रहा था और उनके जो बड़े बड़े सिंगर्स थे वो वो अभी गए थे तो वो क्राउड उसी उसमें था उसी शोर में था तो बिल्कुल फॉरन मैच स्टार्ट हुआ तो पहले एक से डेढ़ ओवर हमें आइडिया ही नहीं हुआ कि आवाज हम दोनों को एक आई नहीं रही हमें बीच में बिल्कुल आना पड़ा और जोर जोर से बोलना पड़ा और फिर दो से तीन ओवर के बाद थोड़ी सी नर्व्स भी आपके हाँ। बेहतर होते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा आता आहिस्ता बेहतर हुआ अदरवाइज वरना बड़ा अजीब सा माहौल होता है इंडिया के उसमें क्योंकि बहुत शोर होता है और जिस स्टेडियम में हम खेल रहे थे इट्स द बिगेस्ट

कि उसका मैच किसी और टीम से आप नहीं कर सकते कि आप इंडिया से जब आप खेल रहे हो स्पेशली इन इंडिया इट्स अ डिफरेंट थिंग सही क्योंकि क्राउड uh, से तुझे कोई बैकलैश मिला इस तरह तुझे फील हुआ कि uh, इंडिया में यार बहुत सपोर्ट मिली अच्छा बहुत प्यार दिया मैंने वैसे देखा है जब ये मैंने इंजी अंकल के टाइम पे देखा मैं इंजि अंकल के साथ ही था दिल्ली में चांदनी चौक की किसी गलियों में में और पे पे जो क्राउड क्राउड आते हैं ना पाकिस्तान भी वैसा नहीं आता, आता बिल्कुल बिल्कुल, जो वहाँ बिल्कुल। पे आपको रिस्पेक्ट के साथ क्राउड अभी है। इस वक्त तो ये था कि हमें अलाउ नहीं था बाहर जाना बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन अगर हम जाते थे तो वो पूरे पूरे रोड बंद करते थे पूरे पूरे रेस्टोरेंट बंद कर देते थे हमें हार्डली मैं मॉल गए थे तो उस मॉल में उन्होंने सिर्फ 20 मिनट उन्होंने कहा था अगर आप पहले भी बता दोगे ना मॉल वालों को वो भी प्रॉब्लम है एंड अच्छा। टाइम पे बंद कराएंगे ताकि लोगों को पता होना हम हाँ। 20 मिनट पहले हमने मॉल बंद कराया मैंने आखिरी दिन में जरा जब हम गए तो शॉपिंग करने गए तो आप यकीन करें विद इन 20 मिनट्स पता नहीं बाहर कितने लाखों लोग मिल गए थे और लाखों लोगों के साथ मीडिया को पता नहीं कैसे पता चल गया वो इतना क्रेज और इतना रिस्पेक्ट कि मतलब हमें सिर्फ लॉबी तक आना लाओ था वो भी किसी वजह से सही। लेकिन जब भी हम रात के बारह रहे हो या सुबह के आठ बज रहे हो जब भी हम नीचे गए तो कोई दस हजार मतलब हमेशा लोग नीचे आपको मिलते ही खड़े ही हैं सिर्फ हाँ। आपके एक शक्ल देखने के बिल्कुल तो हमें बहुत ज्यादा वहां पे रिस्पेक्ट भी मिली और प्यार भी मिला तो बहुत क्रेज है Welcome back guys. मेरी इमाद भाई से बात हो रही थी धाबी में ना। hmm. तो वो कह रहे थे कि कि like, ले लिया था। उनको बड़ा effect किया था। उनको so, किया और ये गेम भी ऐसी है आपको बहुत mental pressure का सामना करना पड़ता so, यार देखो आ, ये गेम मुझे लगता है ही mentally. बिल्कुल। फिजिकली तो है लेकिन ज्यादातर इंटरनेशनल yes. क्योंकि वो जब यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट है। बाकी लीग लीग से लीक क्रिकेट को आप इंटरनेशनल क्रिकेट से नहीं मिला सकते हाँ। क्योंकि प्रेशर अलग है हाँ। सोचने का तरीका अलग है बैटिंग शायद वो ये है लेकिन बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम समझिए बिल्कुल हो जाती है क्योंकि वो प्रेशर आप अलग फील करते हो तो मेंटली आप फंसते ही मेंटली हो क्योंकि आपको हर एक दो इनिंग्स के बाद अगर आपके ना है, तो आपको इधर से से बात से बात उधर चाहते हुए आप सोशल मीडिया लेकिन आपको पता चल रहा होता है और ये हर लाइफ में हर दूसरे मैच में आएगा सही तो तब सबसे बेस्ट जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा मिली आपकी अच्छी गैदरिंग आपके फैमिली शुड बी वेरी सपोर्टेड और आप जितना सोशल मीडिया से दूर, दूर रहो आप जितना दूर रहोगे आप अपनी क्योंकि प्यार भी बहुत करते हैं लेकिन हाँ कुछ जगह ऐसा होता है कि पर्सनल हो जाते हैं कुछ वो हमेशा ये पाकिस्तान में हमारा कल्चर मेरे ख्याल से रहेगा कि इक्वालिटी नहीं है डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट पीपल तो वो वो हमेशा रहता है और उसमें आप लड़ो मत अब उससे लड़ने का कोई फायदा हाँ, है। नहीं है लड़ नहीं सकते बिल्कुल हाँ। तू ठीक है भाई हाँ, हाँ। आप लड़ नहीं सकते हर हाँ। एवरीबॉडी हैज देयर ओपिनियन वैसे मैं एज के साथ साथ देख रहा हूँ तुम <laughs> चोर तो हो गए बहुत बातें तेरी बहुत मैच्योर <laughs> नहीं आप मैच्योर मैच्योर हर क्रिकेटर मैच्योर है क्योंकि लोगों को नहीं पता कि क्रिकेट किस किस फेज से कहाँ कहाँ घुसता है चाहे वो 22 का हो या 32 का हो क्योंकि मोस्टली क्रिकेटर्स आते हैं हम्बल बैकग्राउंड थे भी लकी के हम बेहतर थे हम काफी लोगों से काफी बेहतर थे हमें वो चीजें मिली जो लोगों को शायद नहीं मिलती लेकिन मैंने देखा है लोगों को काफी लोग हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं तो क्रिकेट क्रिकेटर जो है ना वो चौदह पंद्रह साल की उम्र से ना बाहर रहता है हाँ। तो जब इंसान अकेला ट्रेवल करता है अकेला खाता है अकेला रहता है अकेला जाता है ना वो वैसे ही बहुत जल्दी मिच्योर हो, हो जाता है इसीलिए क्रिकेटर्स बहुत जल्दी मिच्योर हो जाता है क्योंकि उनकी लाइफ ऐसे ही है हाँ। अच्छा इंजी अंकल ने भी अपने इंडिया में बड़ा वहाँ पर उन्होंने बहुत मार लगाई है ना उन लोगों को तो उन्होंने कोई टिप्स दी थी नहीं उन्होंने उनसे उन्हों इतनी बात नहीं हुई हालांकि वो पहले दो मैचेस में वहीं पे थे आ, जो हमारा पहले दो मैचेस में होते तो मेरी इंजी चाचू से कभी भी इतनी क्रिकेट के बारे में बात नहीं हुई हाँ. बट वो हमेशा यही कहते हैं कि यार

ऐसा नहीं है कि मैं लीग खेलना नहीं चाहता ऑब्वियसली मैं टी ट्वेंटी क्रिकेट कम खेलता हूं ठीक हाँ। है मैं खेलता हूँ वन डे टेस्ट लीगस खेलनी चाहिए क्योंकि आजकल दुनिया जा रही है वहां पर लीगस खेलनी चाहिए लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली आपकी कंट्री पहले और हमारे लड़कों की हमेशा होती है लेकिन ऑब्वियसली जब आपको अच्छे पैसे मिलेंगे एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर आप जाते हो वहां पर लेकिन वो ये है कि आपको मैनेज करना है और ये इंसान खुद ही मैनेज करता है कि उसकी प्रायोरिटी जो है वो होनी चाहिए दोनों चीजें होनी चाहिए मैं ये नहीं कहूंगा एक चीज होनी चाहिए लेकिन ऑब्वियसली आपको चुप पे चूज समाइम करना पड़ता है कि यार अभी मेरी बॉडी

Okay. जो जो आपको फील पाकिस्तान से खेलने की वो लीग में थोड़ी है हुँ. हाँ हो सकता है लेकिन जो टीम जो फैन फॉलोइंग जो नाम आपका बनता है वो लीग से कभी नहीं बनेगा वो बनेगा तो पाकिस्तान से और पाकिस्तान से खेलोगे तो आपको लीग मिलती है हाँ। आप पाकिस्तान में परफॉर्मेंसेस नहीं दो पाकिस्तान से तो आपको लीग भी नहीं पिक करेगी सिर्फ पिकायी एक दो जो है एक दो दफा ले लेगी ले लेकिन फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस बहुत मैटर करती है तो हर बंदा पाकिस्तान को करेगा बिल्कुल तूने अभी जिक्र किया कि सारे क्रिकेटर्स बड़े बैकग्राउंड से आते हैं और सारे स्ट्रीट क्रिकेट खेल के बिल्कुल पहुंचे पहुंचेटिवली तेरा में अच्छा था ग्रू अप इन अ नाइस गुड फैमिली और सारा कुछ तुझे लगता है तुझे उसका एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है कोई मुझे एडवांटेज बिल्कुल इस चीज का जरूर है कि मुझे हमेशा बहुत रही है पढ़ाई में एजुकेशन बहुत 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 मैटर करती है आपकी लाइफ में हाँ। चाहे आप क्रिकेटर हो नहीं हो तो मुझे ऐसा लगता है, है ना जो बड़े जरूरी होते हैं आपकी लाइफ में कभी कि आपको इनको पिक करना है वो मेरे से अच्छे हो गए उस वक़्त जो बहुत जरूरी होते हैं वो मेरे ख्याल से अम्मी का उस वक्त शुक्रिया मेरी अभी बहुत स्ट्रिक थी पढ़ाई में 30. सही अच्छा 90s के क्रिकेटर्स की बॉलीवुड में बहुत फैन फॉलोइंग थी बिल्कुल तुझे तो लगता है अब वो चाम है अब आपके प्लेयर्स का अब वो सीन है अब हो नहीं सकता क्योंकि हम खेलते नहीं इंडिया से हाँ। 90s के क्रिकेटर्स बहुत जाते थे इंडिया का टूर बहुत होता था ठीक हाँ। है अब हम एक ही दफा गए और उधर हम ऐसे रहे हैं कि मतलब वी वर नॉट अलाउड टू गो एनी अब हमें जैसे अगर जाना है तो आधा इंडिया बंद करा देते थे हाँ, वो। क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कोई ऐसा मिसहैप हो जाए जिससे ऑब्वियसली वर्ल्ड कप खराब हो तो वो उस वक्त का चाप मेरे ख्याल से इसीलिए था क्योंकि इंडिया बार बार आता भी था और हम जाते भी थे अब आप देखो इंडिया से हम बाइलेट्रल तो खेलते नहीं है सीरीज वो अगर खेलते भी है तो हर दो से तीन साल बाद अगर मेजर टूर्नामेंट में

ठीक है और आ, एक्ट्रेस 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 मुझे वो क्योंकि मुझे वो कल होना वो मूवी बहुत पसंद थी तो मुझे उसमें प्रीति जिंटा पसंद थी तो वो वो ही रही है उसके बाद पिछले कोई दो से तीन साल से कोविड से बिल्कुल ही नेटफ्लिक्स सीजन पे आ गए थे मूवीज का बिल्कुल जो रहा शौक इतना ज्यादा रहा नहीं अच्छा तो इसलिए मैं बहुत ही पिछले डेढ़ दो साल से तो इंडियन मूवीज बिल्कुल प्रीति के साथ मुझे भी प्रीति जिंटा बहुत पसंद थी मेरे साथ ये इंडिया में एक किस्सा हुआ उसके साथ

ठीक है हाँ भाई को फूफो इसीलिए को, को फूफो इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो लड़ाई करवा देते थे, थे वो बिल्कुल लड़ाई करवा देते थे, थे तो वो मशहूर थे कि इस चीज में कि यार भाई जान जान के ना बात हाँ, पूछने का तरीका हाँ, पूछो बताओ क्या है कि क्या हुआ जैसे अभी भी मेरी वो शादी पे आए थे तो वो उजाला से ना एंड हो गए ये दोनों कहाँ मिले ये मुझे भाई पूरी इन्फॉर्मेशन लिखवाते ये मुझे बता रहे थे आज मुझे उजाला से क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि अमीमा से मैं बात कर रहा था फोन पे

तो चीटर भी बहुत बड़े हैं वो वैसे वहा भाई वहाँ भाई, भाई बहुत बड़े चीजें जो गेम आप खेल जो आप हाँ। गेम का आप नाम ले रहे हो ना हाँ। वो गेम मैंने और शेब मलिक ने इंट्रोड्यूस करवाई अच्छा, थी जी जी केंट का आप में हाँ, हाँ, हाँ। ये जो केंट गेम है ना ये हाँ, मैंने और शुभ मलिक ने गेम बनाई थी और इंट्रोड्यूस करवाई थी दुबई में फिर ये पूरे पाकिस्तान में चली ये गेम पी में वो चली टी में वो चली हर जगह हर जगह वो हमने पी में गोरे आते थे हमने उसको लगा दिया था उधर ठीक है टॉम मोर ये सब तो ये ये गेम जो है ना शुब मलिक और मैंने दुबई में जो है हमने

यार ये नए लड़के होंगे ये जब ये नए लड़के आए हैं टीम में आए हैं अब्दुल्ला शफीक है आ, आगा सलमान है ये सारे जो नए लड़के हैं मेरे ख्याल से नए लॉट को ज्यादा क्योंकि जब हम नए थे हमें भी एक्साइटेड था हा। हा। हम एक्साइटमेंट में फील करते थे कि यार अब यहाँ जाना है वहां जाना है तो मैं अब ये देखता हूँ कि जो नए लड़के आए हैं इनको मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा शौक होना चाहिए मुझे एज इट इज इतना कन्फर्म नहीं है कि इनको है एक्साइटमेंट मुझे ऐसा लगता है कि ये बाहर जाने का कि यार रहा और ये जो है एक्साइटमेंट हो या ना हो लेकिन जो ज्यादा बाहर जाते हैं ना फौरन ही खाने के लिए हाँ। वो इनका भी मैंने ये जो हसन अली का ग्रुप हाँ। है ये लोग ज्यादा बाहर जाते हैं हसन है ये हाँ। फौरन ही आते थे तो वो इनका भी खाना भी होता होते मैंने तो देखा है कुछ एक पुराने प्लेयर्स का भी मुझे पता है बड़े शौकीन थे पार्टी वूर्टी के फौरन निकल जाते वो जमाना नहीं रहा चुकी है यहीं तक है खाने तक ही जाते हैं मुझे लगता है और और करना चाहिए या कुछ ना चाहते हुए भी मैनेजमेंट नहीं करेगी तो नहीं। वैसे भी जो सोशल मीडिया का दौर है ना जो अब क्रिकेट ऐसी हो गई है कि आपको हर जगह की रिस्ट्रिक्शन हैं आपने टाइम पे आना है टाइम पे जाना है क्योंकि आप बहुत जल्दी क्लेक्ट हो जाते हो हम ऐसा अभी हम मेलबर्न से आ रहे हैं ऐसा लग रहा था आप लाहौर में फिर रहे हो क्योंकि नाइनटी परसेंट पे पाकिस्तानी इंडियन है आप होटल से नीचे जाते थे तो आपको नीचे हर तरफ इतने लाहौर में मुझे लगता है लाहौरी नहीं है जितने उधर इतने ज्यादा पाकिस्तानी एशियन कम्युनिटीज है तो वो आप दो मिनट

एक जितने हैं यार इसमें कोई इतने ज्यादा नहीं है काफी सारे हैं लेकिन यहाँ ये यह है कि बॉब्स की बिकॉज़ ऑफ uh, उसके वर्ल्ड वाइड जो माशाल्लाह उसकी जो पहचान है वो बहुत हाँ। ज्यादा है तो उसकी 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 ज्यादा है सही अब तेरी हम शादी का पूछते हैं तेरी शादी हुई कैसे शादी वैसे ही होती है तो पकड़े कैसे आया लाइक <laughs> हु like कैसे ये सब कुछ हुआ वाज इट लव अरेंज्ड क्या सीन था

आजकल मुझे आसम अजहर बहुत पसंद है फेवरेट सॉन्ग कोई उसका ही वो वो जो उनका खास सुनी नहीं जम, ज, 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 जमाने जा, अच्छा नहीं, सही वो बहुत पसंद है और फेवरेट मूवी फेवरेट मूवी हाँ कल होना हो ओके okay, तुझे पसंद है कल होना हो नाइस nice. अच्छा योर क्रश इट कुड बी हॉलीवुड बॉलीवुड लॉलीवुड अच्छा मुझे कभी नहीं रहा मैं आई बी वेरी यार माहिरा खान बोल <laughs> प्रीटीजेंटा बोल सकता हूं Pretty मैं प्रीटीजेंटा श्योर हां क्योंकि वो मुझे हाँ. पसंद थी तो मैं उसका हां फेवरेट कंट्री टू विजिट अगेन एंड अगेन यूके वन एक्टर यू डोंट लाइक वन एक्टर यू डोंट लाइक हां या वो इमरान अब्बास सही व्हाइट बॉल और रेड बॉल व्हाई वैसे व्हाई

अच्छा अब लास्ट ओवर मैच में तो ये ये चाहिए जीतने के लिए किस पाकिस्तानी बैट्समैन को चूज करेगा वो, <coughs> वैसे मुझे बात यू यू फील लाइक रेडी टू बी अ यार ये कभी भी आपके लिए ऐसा सवाल नहीं होता कि आप रेडी हो या नहीं रेडी हो जब इट्स लाइक like मेरे ख्याल से वेरी प्राउड थिंग बट

मैक्सवेल और फखर जमान को सही अच्छा अब मैं एक एक नाम लूंगा एंड तेरे दिमाग में जो एक वर्ड आते ना उनके लिए हाँ। तूने बोलना है सोचे समझे बगैर इंजमाम सरफराज कैप्टन मिकी आर्थर ग्रेट कोच वसीम अक्रम यॉर्कर्स अच्छा अब तूने इनको रैंक करना रिजवान फखर जमान मोहम्मद हारिस इफ्तार अहमद अच्छा इनको रैंक करना है पहले फर्स्ट से फोर्थ तक मतलब चार लोग तो फर्स्ट मतलब बीइंग द बेस्ट अच्छा किस सेंस में the the या कौन कौन से दोबारा बताना uh, मोहम्मद रिजवान फखर जमान मोहम्मद हारिस इफ्तिखार अहमद

टाइटल दूँ कोई आ, रावल पिंडी डिशेस okay. 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 अच्छा, 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 ना के नाम लूंगा और तुझे मुझे खाते हैं इसके बाद कुछ अब मैं डिशेस के नाम लूंगा इन डिशेस से तुझे जो प्लेयर याद आता है ना वो उसका नाम लेना है तूने काबली पुलाव सैफी भाई करेले जुनेद खान अच्छा जलेबी जलेबी अजहर अली आलू अंडे आलू अंडे शर्जील खान आ, बर्गर बर्गर हम्म शान मसूद ओके एंड बिरयानी बिरयानी बाबर और मैं ओके इमाम मेरा एक सवाल है कि तेरी शादी से पहले फिर कमरे में बहुत हैंग आउट थे, बड़ा शुगर लगता था। अब यह है? है।, सेम स्टोरी सेम स्टोरी स्टोरी है।, है कि पहले जो चाय था प्लेयर है अब है, मत, वो बनाता था या कभी बाबर बनाता अब मेरी बेगम बनाती है अच्छा हम शुगर लगाते रहते है वो चाय बना के प्ले स्टेशन खेलते थे शान मसूद को बहुत शौक है रियाज और इमादी ये तीन प्लेयर थे जो है मुझे कभी भी नहीं रहा बहुत